दोस्तों, BSNL का 5G सबसे पहले कौन से एरिया पे आएगा, उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, फिर भी लोग मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं। तो आप प्लीज मेरे चैनल पे जाइए, वीडियो सेक्शन पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा BSNL का 5G ट्रायल्स कौन कर रहा है। यस दोस्तों, BSNL का 5G टेस्टिंग कौन कर रहा है, इसके बारे में भी हमें जानना जरूरी है। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर सभी इंडियंस के लिए, ऑल इंडियंस के लिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, BSNL का जो 5G ट्रायल्स है वो कर रहा है वॉइस, VOICE, वॉइस। वॉइस दोस्तों, कोई आदमी, अकेला आदमी, कोई अकेला आदमी का ग्रुप या कोई अकेला कंपनी नहीं है, ये है बहुत सारे कंपनी का एक ग्रुप, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले वॉइस का फुल फॉर्म बता देता हूँ, वॉइस ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज, यही है वॉइस का फुल फॉर्म, ठीक है। वी फॉर वॉइस, टोटल इसका नाम जो है वो है वॉइस, फिर भी वी फॉर वॉइस, हाँ, ओ फॉर ऑफ, आई फॉर इंडिया, सी फॉर कम्युनिकेशन, टी यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, और ई फॉर एंटरप्राइज। तो वॉइस का फुल फॉर्म है वॉइस ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज, और यहाँ पर बहुत सारे कंपनी का झुंड है, ये सारे के सारे कंपनी मिलकर एक ग्रुप बनाया है और ये BSNL का 5G ट्रायल्स करेगा, ठीक है। अभी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सारे के सारे जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनीज है, लेकिन हाँ ये इंडिया का ही है, इंडिया का बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज मिलकर BSNL का 5G लॉन्च कर रहा है। अभी मैं आपको वो सारे के सारे कंपनीज का नाम बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले नाम आता है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, TCS। उसके बाद नाम आता है तेजस नेटवर्क, ये भी टाटा का ही एक सब ब्रांड है। उसके बाद नाम आता है VNL, उसके बाद नाम आता है HFCL, उसके बाद नाम आता है यूनाइटेड टेलीकॉम्स, उसके बाद नाम आता है कोडल टेलीकॉम। तो टोटल 6 अलग अलग कंपनी ने मिलकर एक ग्रुप क्रिएट किया है, और ये 6 कंपनी के ग्रुप को नाम दिया गया है वॉइस, वॉइस ऑफ इंडिया कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज, और ये 6 कंपनी मिलकर BSNL का 5G ट्रायल्स करेगा। और BSNL का जो 5G टेस्टिंग है वो हमारे इंडियन न्यू टेलीकॉम मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, अभी इसको रोल आउट करने की बारी है, अभी ये रोल आउट होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात हम लोग माने तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि अक्टूबर 2024 तक BSNL का 80,000 4G टावर इंस्टॉल हो जाएगा पूरे पैन इंडिया पे, मार्च 2025 तक BSNL का 4G पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरे पैन इंडिया पे, एकदम आपको जगह जगह मिल जाएगा। और उसके बाद उसी मार्च महीने में ही आपको कुछ कुछ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर 5G देखने को मिलेगा, और उसके बाद से 5G ट्रायल्स जो है वो चलता रहेगा, रोल आउट चलता रहेगा, और 2025 के लास्ट तक पूरा 5G जो है आपको पैन इंडिया पे मिल जाएगा BSNL की तरफ से, ठीक है। 4G लॉन्च करने में जितना भी टाइम लगा, 5G लॉन्च करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो 4G लॉन्च हो रहा है ये 5G रेडी 4G है, ठीक है। इसको एक सॉफ्टवेयर अपडेट की मदद से 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि 5G का जो ट्रायल्स पहले आए या पहले रोल आउट हो वो नॉन स्टैंडअलोन मोड पे होगा, ठीक है, लेकिन ये बाद में स्टैंडअलोन मोड का 5G हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 6 कंपनी है, TCS, तेजस नेटवर्क, VNL, HFCL, यूनाइटेड टेलीकॉम्स एंड कोडल टेलीकॉम, ये 6 कंपनी मिलकर वॉइस नाम का एक ग्रुप क्रिएट किया है। उस ग्रुप में अभी ये 6 कंपनी है, और ये 6 कंपनी BSNL का 5G ट्रायल्स करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अगर आपका कोई राय है, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे कमेंट में कह सकते हैं, और वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, 1 सेकंड भी नहीं लगता है लाइक करने में, लेकिन हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हर सुबह के 11 बजे मैं अभी BSNL रिलेटेड अपडेट न्यूज दे रहा हूँ। और प्लीज वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।